ऑल इंडिया पेरेंट्स यूनियन ने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में सरकार एक तरफ तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं देकर परिजनों को सर्व शिक्षा अभियान का पाठ पढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के नाम पर कुछ प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं। परिजनों से खुलेआम पढ़ाई और अन्य सुविधाओं के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के विरोध में मथुरा के जिलाधिकारी को ऑल इंडिया पेरेंट्स यूनियन के बैनर तले अपना शोषण रोकने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन की मांग है कि सरकार के आदेश के बाद भी निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं। महंगाई के दौर में निजी स्कूल वाले बेतहाशा फीस वृद्धि कर और फीस के अलावा भी कई अन्य तरह की फीस वसूलते हैं। इस मामले पर जिलाधिकारी ने बताया कि एक टीम का गठन किया गया है, जिससे इस तरह के मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये कुछ अभिभावक आए हुए थे, मुझे इस बात का ज्ञापन दिए हैं कि प्राइवेट विद्यालय के प्रबंधकों द्वारा मनमानी तरीके से फीस की वृद्धि की जा रही है। वो ज्ञापन मुझे दिया है। इसके संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मैंने एक कमेटी गठित कर दी है कि वो DISC अभिभावक संघ और जो विद्यालयों के प्रबंधक है उनके साथ 3 दिन के अंदर बात करके जो शासनादेश है उनका अनुपालन सत्र से सुनिश्चित कराया जाए। यदि कोई व्यक्ति मनमानी करता है तो उसके खिलाफ हम लोग योग्यता कार्रवाई भी कराएंगे। आज हम सभी साथी ऑल इंडिया पेरेंट्स यूनियन के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को जाने आए हैं, जिसमें निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है, अभिभावकों को शोषण हो रहा है। योगी सरकार जो भी बिल वो फीस कम करने का जो बिल लाई है उसका कंप्लायंस जिले में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और तरह तरह की फीस के नाम पर अभिभावकों को शोषण किया जा रहा है। उस पर प्रतिबंध लगाने की हम लोगों की मांग है, ताकि जो हम नारा देते हैं शिक्षित समाज तभी हो पाएगा जब उचित दर पर शिक्षा हमें मुहैया होगी।